तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमएटी यूनिवर्सिटी देश की ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर पूरे देश के विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी लगातार तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल्ली रोड पर मौजूद एमएटी यूनिवर्सिटी करीब 152 एकड़ एरिया में फैली है जहां देश विदेश से छात्र पढ़ने आते हैं। कोविड काल में एमएटी यूनिवर्सिटी देश की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी थी जहां पर लॉकडाउन के महज एक सप्ताह में ही यूनिवर्सिटी की ओर से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर दी गई और करीब 1.5 सालों में यूनिवर्सिटी की ओर से ऑनलाइन क्लास जारी है। यूनिवर्सिटी की विशेषता कोविड की चुनौतियों और प्लेसमेंट को लेकर एमएटी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राकेश भटनागर से खास बातचीत की गई। एमएटी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, सारे एडमिशन्स हमारे ऑनलाइन होते हैं। हमारी एडमिशन टीम बच्चे के कांटेक्ट में रहती है, बच्चे से बातचीत करती है और उसको पूरी तरह गाइड करती है सारी इंफॉर्मेशन देकर के। जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, एडमिशन पाते हैं, उनका पर्सनैलिटी जो होता है, अगर वो किसी कोर्स में 3 साल 4 साल के लिए आए हैं तो जब से आए हैं और जब जाते हैं उनके पर्सनैलिटी में इतने बदलाव आते हैं कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ बहुत कुछ सीखते हैं कि बातचीत कैसे की जाए, इंटरव्यू कैसे अटेंड किया जाए, अपना बायोडेटा कैसे बनाया जाए, टेलीफोन में किसी कंपनी के साथ कैसे बात की जाए, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखते हैं। जब वो अपना कोर्स खत्म करने वाले होते हैं तो वो पूरी तरह तैयार होते हैं कि जब कैंपस इंटरव्यूज होंगे, कंपनियां आएंगी, तो उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और करीब करीब 95% बच्चे जो नौकरी लेना चाहते हैं उनको कैंपस इंटरव्यूज में ही जॉब मिल जाती है। इसलिए एमएटी यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अट्रैक्टिव यूनिवर्सिटी है, सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आना चाहते हैं। हमारे पास एक बोर्ड होता है जिसमें इंडस्ट्री से लोग बैठते हैं और वो एमएटी यूनिवर्सिटी को गाइड करते हैं कि इंडस्ट्री में इस टाइम पर किस तरीके की नॉलेज, किस तरीके के लोग जरूरत है, वो हमें एडवाइस करते हैं। वो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज में, जिसमें के सारे कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं, वहां पर बैठते हैं और हमें मदद करते हैं कि कोर्स को किस तरीके से बनाया जाए, बच्चे को किस तरीके की नॉलेज दी जाए जिससे कि बच्चा इंडस्ट्री रेडी हो जाए और जिस समय वो अपना कोर्स खत्म करके जाता है उसको इंडस्ट्री में इंटीग्रेट करने के लिए ज्यादा समय न खर्च हो पाए और इंडस्ट्री में उसके काम की वैल्यू हो और वो वहां पर एक अच्छी तरीके से एक अच्छा एम्प्लॉय बन सके। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पहले से ही तैयार थे, तो हमें ज्यादा बदलाव नहीं करना पड़ा। हमारे यहाँ एक बच्चा अपने सेलफोन में ऐप के जरिए सारी चीज मालूम कर सकता है, उसका क्लास कब है, उसका कोर्स क्या है, उसे कौन टीचर पढ़ा रहा है, उसका असाइनमेंट कब है, उसे कब सबमिट करना है, सारी चीजें उसकी ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो जब कोविड आया और उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बीमारी ना हो जाए, लॉकडाउन हो गया था, तो हमें शिफ्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और बच्चा अपने घर में ही बैठ करके अपने टीचर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स को सुन सकता था, सवाल पूछ सकता था, उनसे इंटरेक्ट कर सकता था, असाइनमेंट कर सकता था, सारी चीजें वो वैसे ही कर रहा था जैसे कि क्लास में बैठ करके करता था, तो उसकी पढ़ाई लिखाई का हर्जा बिल्कुल नहीं हुआ और बड़ी आसानी से हमने इंटीग्रेट कर लिया। ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ा एडवांटेज जो बच्चे को मिलता है कि अगर किसी वजह से बच्चा आ नहीं पा रहा है या किसी बच्चे से बच्चा बीमार हो गया है या मान लीजिए उसकी ट्रेन लेट हो गई है, उसकी बस खराब हो गई है, उसका मोटरसाइकिल खराब हो गई है, तो उसका क्लास नहीं छूटता, वो अपना क्लास किसी समय पर कहीं पर भी बैठ करके अपने
एक मोबाइल के माध्यम से पढ़ सकता है। ये तो हो गया एडवांटेज, लेकिन जहां तक जो डिसएडवांटेज है उसको हम लोगों ने बहुत दूर करने की कोशिश की है। जैसे इंटरेक्शन जो टीचर और स्टूडेंट का होता है, कोई सोच सकता है कि शायद वो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने पूरी कोशिश ऐसी की है कि बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो बीच में वो सवाल पूछ सकता है, अपना सवाल लिख करके दे सकता है, वो अपना असाइनमेंट जमा कर सकता है, टीचर का फीडबैक ले सकता है। हमने सारे इंतजाम इस तरीके से किए हैं कि बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो पाए। इसलिए जो ब्लेंडेड लर्निंग है कि जब मौका हो तो ऑफलाइन आइए, जब मौका हो तो ऑनलाइन आइए, इस तरीके से करने से बच्चे को दोनों ही सिस्टम का पूरा पूरा फायदा मिलता है। एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर के जितने भी कोर्सेज हैं, हम लोगों ने कोशिश ऐसी की है कि वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हों, जिसमें कि बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। जैसे एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तो कोई बच्चा बीए पढ़ता है, लेकिन हमारा बच्चा बीए के साथ में बीए एलएलबी कर सकता है, बीकॉम एलएलबी कर सकता है, बीकॉम एमबीए कर सकता है, बीकॉम के साथ साथ वो कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर सकता है। जो हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उसमें अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और आप कोई एक फैशन टेक्नोलॉजी का भी कोर्स करना चाहते हैं, या कोई इकोनॉमिक्स का भी कोर्स करना चाहते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी का भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। साथ साथ हमारे यहाँ हर बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स कराया जाता है। फॉरेन लैंग्वेज जानने से कई फायदे होते हैं। एक तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो फ्रेंच कंपनी है या जर्मन कंपनी है या स्पेनिश कंपनी है या चाइनीज कंपनी है, तो उसमें अगर उस भाषा का ज्ञान है तो आपको नौकरी आसानी से मिल सकती है, या आप उस देश में जाकर काम करना चाहते हैं तो भी आपको आसानी से नौकरी मिल सकती है। इसलिए हमारे जितने कोर्सेज हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी सोचकर ही बनाए गए हैं, और बेसिक एकेडमिक कोर्स के साथ में एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स साथ में लगा दिया गया है, जिसमें कि बच्चा जब निकले तो उसके पास स्किल्स हो, उसकी मार्केट में डिमांड हो। जो कि हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हमको बार बार बताते रहते हैं कि मान लीजिए आजकल के जमाने में रोबोटिक्स आ गया है, आजकल के जमाने में मान लीजिए डेटा साइंस आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है, कोई भी नई साइंस आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो हमारे इंजीनियर्स को हम तुरंत उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि वो पीछे न रहें, वो सबसे आगे रहें, जो आज का नए से नई नॉलेज है वो उनके पास हो, जो कि इंडस्ट्री हमेशा ढूंढ रही है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।